मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्श्वनी में करीब 2000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर वे पार्श्वनी मैदान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। हमने कल्याणकारी राज्य की भूमिका से समाज के हर वर्ग को न्याय दिया है। इसकी शुरुआत हमने अन्नदाता किसानों से की। हमने किसानों को 6000 केंद्र सरकार और 6000 महाराष्ट्र सरकार की ओर से 12000 रुपए देने का फैसला किया है। हमने राज्य में बुजुर्गों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना लागू की है। प्यारी बहने एक योजना लेकर आई है। अपने भाइयों के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लाए। हमने निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने वाली एक विशेष कल्याण योजना शुरू की है। हमने इन सभी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया है। जन कल्याण नीति उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि हमने लोगों के कल्याण की भावना से इस फंड तक पहुंचने और वंचितों को न्याय के दायरे में लाने को प्राथमिकता दी है। विधायक कृपाल तुमा ने, विधायक आशीष जायसवाल एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इन विकास कार्यों में सतरपुर उपसा सिंचाई योजना, सड़कें, बांध, खिंडसी पुरक नहर, सलाई महुली पुल, नेवरपाड़ा पाली घटरोहन बाखुड़ा पुल, मानसर महुली सड़कों का चौड़ीकरण और सीमेंटीकरण, रामटेक बस स्टैंड का नवीनीकरण, रामटेक पंचायत समिति प्रशासनिक भवन शामिल है, देलापार अपर तहसील कार्यालय नवीन भवन आदि कार्य सम्मिलित है। पिछले 2.5 साल में सरकार ने कभी भी आम जनता के दर्द को नहीं समझा है, गरीबों की पीड़ा को पहचाना है। लगातार बारिश से किसानों को हुए नुकसान से उबरने के लिए हम उनके बांध पर गए और NDRF के तहत पर्याप्त मदद पहुंचाई। हम उनके पीछे मजबूती से खड़े हैं। हमने किसी भी सरकारी योजना के लिए दलालों का जाल नहीं बिछा रखा है। केंद्र और राज्य सरकार की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे राज्य की जनता को स्वच्छ और पारदर्शी सरकार का आभास हुआ है। हमारी कुछ बहनें मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना से प्राप्त धन का उपयोग बहुत रचनात्मक तरीके से करी है। इसके जरिए उन्होंने अपने छोटे बिजनेस को आकार दिया है। इस पैसे का उपयोग बाजार में कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाता है। इस योजना के साथ साथ हम लखपति दीदी योजना के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम जल्द ही उम्मीद के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या 60 लाख से 1 करोड़ तक ले जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि उम्मीद के नेतृत्व में महिलाओं को भी मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने विधायक आशीष जायसवाल के कार्य की सराहना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो संदेश के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विदर्भ में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ सिंचाई के मामले में भी हम एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। विदर्भ सिंचाई विकास निगम के माध्यम से नागपुर वैनगंगा विकास बेसिन में सतरपुर विकास योजना के माध्यम से लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 123 करोड़ रुपए दिए हैं। इस योजना के तहत रामटेक तालुका के 24 गांव की 6,000 एकड़ भूमि को पंप हाउसों के माध्यम से सिंचाई प्रदान की जा रही है। हमने विदर्भ में सिंचाई क्षेत्र को न्याय देने का लगातार प्रयास किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बैकलॉग क्लियरिंग का हिस्सा है। वैनगंगा नलगंगा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो विदर्भ में सिंचाई की तस्वीर बदल देगी। इसके लिए करीब 87,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इससे 10 लाख एकड़ सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बड़ी रचनात्मकता के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विधायक आशीष जायसवाल की सराहना की। इस मौके पर विधायक आशीष जायसवाल ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।